Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic, the aristocracy and the new middle class of class 10th history, chapter number 1. So last video mein humne hamara jo section hai, making of nationalism in Europe, ye shuru kiya tha. और ये सेक्शन शुरू करने का हमारा मकसद क्या था कि हम ये जानना चाहते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना, किस तरीके से नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो यूरोप में आया. ठीक है, तो हमने लास्ट सेक्शन में ये पढ़ा था कि यूरोप में पहले एम्परर्स वगैरह हुआ करते थे, बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे और कोई नेशन स्टेट नहीं था और लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, कोई यूनिटी नहीं थी, लोग एक दूसरे को इक्वल नहीं समझते थे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो अपने आप को एक नहीं समझते थे, कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाता था. तो इस पूरी कंडीशन में किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना आई, क्योंकि नेशनलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग अपने आप को एक समझें, सब एक दूसरे में कुछ कॉमन देखें और सारे यूनाइट हों. बट ये यूनिटी अभी हमें यूरोप में देखने नहीं मिल रही थी. जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा था, जब अलग अलग एम्पायर्स थे तो किसी भी तरीके की यूनिटी हमें नहीं देखने मिल रही थी. तो ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से लोग यूनाइट हो गए? तो अब यही हमें समझना है कि ये नेशनलिज्म कैसे धीरे धीरे बढ़ा. उसके लिए हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि यूरोप की सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके के लोग यूरोप में रह रहे थे और क्या ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म है वो आया. तो हम बेसिकली इस सेक्शन में दो क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास. ठीक है, एरिस्टोक्रेसी पहले से ही थी बट ये मिडिल क्लास है, वो नाम से ही पता चल रहा है कि ये न्यू है, मतलब कि एक नई क्लास है. पहले हमें पता है कि भाई एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्स दो तरीके की सोसाइटी में हमें लोग देखने मिल रहे थे, बट ये मिडिल क्लास एक नई क्लास उभर कर आ रही है. ऊपर एरिस्टोक्रेट्स हैं, नीचे पेजेंट्स हैं, इनके बीच में ये जो मिडिल क्लास है ये निकल कर आ रही है और पहले ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो कैसे ये मिडिल क्लास जो है आई निकल के और फिर ये मिडिल क्लास ही होगी जो कि यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया को शुरू करेगी. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी की. सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. तो हम किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं. तो यूरोप में क्या था, शुरुआत से ही जैसे जब राजा महाराजा वाला सिस्टम था तो उसमें क्या है कि भाई जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है वो सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट करती थी, मतलब कि सोसाइटी में जैसे हम रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो मतलब सोशली जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वो सोशल पावर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के पास थी. और पॉलिटिकल पावर मतलब लोगों को कंट्रोल करना, ऑर्डर देना, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, गवर्नमेंट को चलाना, तो ये जो पूरी पॉलिटिकल पावर है ये भी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के पास थी. मतलब यूरोप में ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है वो हावी हो रखी थी और सबको कंट्रोल कर रही थी. तो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब है सबसे ऊंची क्लास, ऐसी क्लास जो कि सबसे ज्यादा पावर है जिसके पास, टॉप क्लास हम कह सकते हैं. अब एरिस्टोक्रेसी है क्या, टॉप क्लास के लोग कौन होंगे? तो देखो, राजा जो किंग रहता है, जब हमने फ्यूडल सिस्टम पढ़ा था, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको फ्यूडल सिस्टम के बारे में बताया था, तो उसमें हमने समझा था कि भाई सबसे ऊपर रहता है राजा और वो जो राजा है उसके पास पूरी जमीन रहती है. तो होता क्या है, भाई राजा है, राजा के परिवार वाले भी होंगे, उसके चाचा, उसके मामा, उसके दादा दादी, मतलब पूरा परिवार रहेगा, है ना, और बहुत ही एक्सटेंडेड फैमिली रहेगी, एक दूसरे से कनेक्टेड लोग रहेंगे. तो राजा और राजा से रिलेटेड लोग, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं. मतलब कि ये जो राजा को तो चलो किंग कह दिया कि वो किंग है, बट उससे जुड़े हुए लोग, राजा से कनेक्टेड लोग, उनको भी तो हम कुछ कहेंगे, उनके भी तो ओहदे काफी ऊंचे रहते हैं, वो भी तो बड़ा रौब दिखाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे. तो राजा प्लस उसके जो रिलेटिव्स हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उसको हम, इस पूरी क्लास को हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, अब जैसा फ्यूडल सिस्टम में बताया था कि भाई मैक्सिमम जमीन राजा के पास रहती है, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जमीन पूरे कॉन्टिनेंट में, जो पूरी जमीन थी वो इस एरिस्टोक्रेसी के पास थी. ठीक है, अकेले राजा के पास नहीं होगी, बट राजा के जो रिलेटिव्स हैं वो सब मिलके मैक्सिमम जमीन को होल्ड करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. ऐसी एरिस्टोक्रेसी, ऐसी टॉप क्लास, हाई क्लास, जो कि जमीनों को ओन करती है. ठीक है, अब इनके पास सोशल एंड पॉलिटिकल पावर है, ये कंट्रोल कर रहे हैं, भाई ये राजा हैं, राजा वाले खानदान के हैं, ये रूल कर रहे हैं, है ना,
तो इन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करके रखा है. डोमिनेट मतलब दबदबा बना के रखा है. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. अब लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्लास के जो लोग थे वो अपने जीने के तरीके से काफी यूनाइटेड थे. एग्जाम्पल के तौर पे पूरे यूरोप में एक ही तो एम्पायर नहीं था, बहुत सारे एम्पायर थे, बहुत सारे अलग अलग राजा महाराजा थे, और यूं कहें अलग अलग एरिस्टोक्रेसी की कम्युनिटी थी, एरिस्टोक्रेट्स की. जैसे ये पूरा यूरोप है, तो मान लो ये एक एम्पायर है. अब यहाँ पे रूल करने वाला जो पूरा परिवार होगा, राजा होगा, राजा से रिलेटेड लोग होंगे, तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अलग होगी, एक एरिस्टोक्रेसी की क्लास होगी, एक तरीके से हाई क्लास होगी. इसी तरीके से भाई ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है जहाँ पे राजा महाराजा है, एम्पायर है. अब पूरे यूरोप में इस तरीके से अलग अलग एम्पायर्स हैं, और जहाँ पे उनकी हर एक जो एरिया है उसकी अपनी एरिस्टोक्रेसी है, अपनी एक टॉप क्लास है, हाई क्लास है. तो ये सारे लोग जो हैं भले ही अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, भले ही ये वाली क्लास यहाँ रहती है, ये वाली क्लास यहाँ रहती है, अलग अलग जगह पे होने के बावजूद भी ये लोग एक दूसरे से यूनाइटेड थे. कैसे यूनाइटेड थे? इन सबके जीने के तौर तरीके एक जैसे थे. जैसे जो अमीर अमीर लोग हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, उनके रहने का तरीका, खाने का तरीका, उनकी चॉइसेस, वो सारी लगभग सेम रहती हैं, है ना. तो यही हो रहा है कि भले ही ये लोग यूरोप के अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं, बट ये जो एरिस्टोक्रेसी की क्लास है ये एक दूसरे से काफी यूनाइटेड है, क्योंकि इनके रहने का जो तरीका है, वे ऑफ लाइफ जो है, वो काफी कॉमन है. सो कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स मतलब कि भले ही ये लोग अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड हैं, बट स्टिल दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, कि वो एक उनका जो जीने का तरीका है वो सेम था और उसी से वो यूनाइटेड थे. दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस. तो ये जो लोग हैं, ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, ये गांव वाले इलाकों में भी जमीन होल्ड करते थे. इनके पास गांव वाले इलाकों में भी काफी बड़ी बड़ी जमीनें थी, और जो टाउन हाउस है मतलब कि जो शहर वाले इलाके हैं, टाउन्स हैं, वहां पे भी इनके पास काफी जमीनें थी. दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. और ये जो एरिस्टोक्रेट्स है ना, ये क्या करते थे, ये पूरे यूरोप में मैक्सिमम एरिस्टोक्रेट्स क्या करते थे, फ्रेंच बोलते थे. मतलब जब उन्हें डिप्लोमेसी करनी होती थी, जैसे आपस में बड़े बड़े लोगों से बात करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई ऑफिशियल डील करनी है, बातें करनी है, तो ये लोग क्या करते थे, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे. इसी तरीके से जब उनकी हाई क्लास पार्टीज हो रही हैं, कोई बड़ी सोसाइटी में वो लोग जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं इनफॉर्मल वे में भी, डिप्लोमेसी मतलब जब वो फॉर्मली एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना, किसी काम के लिए, तो वो फ्रेंच का यूज कर रहे हैं. बट इसके साथ साथ जब वो नॉर्मल एक दूसरे से मिलते थे, इनफॉर्मल वे में भी जब वो एक दूसरे से मिलते थे, तो ये लोग फ्रेंच भाषा का यूज करते थे. अब क्या होता है ना, भाषा एक तरीके से स्टेटस सिंबल बन जाती है. जैसे इंडिया में भी आप देखोगे, एंशियंट इंडिया में पुराने टाइम पे संस्कृत जो है वो काफी हाई सोसाइटी वाली लैंग्वेज मानी जाती थी, कि जो राजा महाराजा हैं वो संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत पढ़ा करते थे, और जो दूसरे लोग हैं, जो आम जनता है, वो अपनी लोकल भाषा या डायलेक्ट बोलती थी. तो ऐसा ही यहाँ पे भी देखने मिल रहा है कि फ्रेंच भाषा जो है एक तरीके से एक हाई क्लास वाली भाषा निकल के आ रही है, और मैक्सिमम जो अमीर लोग हैं, ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे. देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज. अब इनकी जो फैमिलीज हैं, अलग अलग एरिस्टोक्रेट, ये क्रेसी के क्लासेस हैं, ये एक एरिस्टोक्रेट है, ये एक एरिस्टोक्रेट है. अब ये लोग एक दूसरे से, इनकी जो फैमिलीज है वो मैरिज के थ्रू जुड़ी हुई थी. अब कोई अमीर पर्सन होगा, कोई हाई क्लास का पर्सन होगा, तो वो कोशिश करता है कि वो किसी अमीर से ही शादी करे, या कोई राजा है वो कोशिश करता है कि उसके बेटे की शादी जो है किसी राजघराने में ही हो, किसी ऐसी जगह पे हो जो लोग रूल करते हो, है ना. तो सेम चीज यहाँ पे देखने मिल रही है कि मान लो ये वाले जो एम्पायर है, यहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो लोग क्या कोशिश करेंगे कि भाई हमारे फैमिली में जो पर्सन है उसकी शादी किसी दूसरे एरिस्टोक्रेट से ही हो, राजा महाराजा के परिवार से हो, हाई क्लास से हो. तो हाई क्लास वाले कहाँ मिलेंगे, वो पूरे यूरोप में फैले हुए हैं. तो इनके जो टाइज हैं, मैरिज टाइज, वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए थे. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई एक देश में ही शादी करनी है, एक जगह पे ही शादी करनी है, नहीं, इनको बस ये था कि भाई एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, जो शादी है वो अच्छे राजघराने में होनी चाहिए. तो ये लोग अलग देश में भी, अलग एम्पायर में शादी करते थे, है ना. ये एक एम्पायर है, इस एम्पायर के जो बच्चे हैं, जो बच्चा है उसकी शादी इस एम्पायर के किसी पर्सन से हो रही है.
तो इस तरीके से जो एरिस्टोक्रेट्स की फैमिलीज हैं वो एक दूसरे से शादी के बंधनों से बंधी हुई थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. अब वैसे हमें देखने मिल रहा है कि जो एरिस्टोक्रेसी है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, बहुत पावर है इसके पास, काफी ज्यादा जमीन है, सोशली ये स्ट्रांग है, पॉलिटिकली ये स्ट्रांग है, बट पावर इनके पास बहुत ज्यादा है, बट न्यूमेरिकली ये काफी छोटा ग्रुप है, मतलब नंबर में ये काफी कम है. फॉर एग्जाम्पल मान लो पूरे यूरोप में 100 लोग हैं, ठीक है, तो इन 100 में से सिर्फ 20 लोग जो हैं वो एरिस्टोक्रेसी हैं और बाकी 80 लोग जो है वो आम जनता है, वो ऐसे लोग हैं जो पेजेंट्स हैं. तो मतलब कि मैक्सिमम पावर सिर्फ इन गिने चुने 20 लोगों के पास है और ये जो बहुत बड़ी जनता है 80 लोग, इनके पास कोई पावर नहीं है. तो क्या बोला जा रहा है कि जो एरिस्टोक्रेसी है जिनके पास इतनी ज्यादा पावर है वो एक्चुअली नंबर्स में काफी कम है. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पेजेंट्री. तो ज्यादातर यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, वो पेजेंट्री थी, कृषक थी, मतलब किसान, किसानी करती थी वो किसान थे. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. अब मान लो ये यूरोप है, ठीक है, तो यूरोप के वेस्ट में क्या था, यूरोप के वेस्ट में जो जमीनें हैं या तो वो टेनेंट्स के द्वारा उनपे फार्मिंग की जा रही थी या तो जमीनों पे स्मॉल ओनर्स फार्मिंग कर रहे थे. मतलब क्या है कि वेस्ट में कुछ तो जमीनें ऐसी थी, छोटी छोटी जमीनें, जिनके अपने मालिक थे और वो छोटी जमीनों के मालिक अपनी अपनी जमीनों पर खेती करते थे, बट कुछ जमीनें ऐसी थी जिन पे टेनेंट्स काम कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने पट्टे पे जमीन ले रखी है, ये जमीन किसी और की है, इस जमीन का एक्चुअल ओनर कोई और है, बट उस ओनर ने जो पेजेंट है उसको रेंट पे खेती करने के लिए अपनी जमीन दे रखी है. तो टेनेंट मतलब एक तरीके से जब कोई पर्सन किसी की जमीन पे रेंट पे एक तरीके से खेती करता है, वो वहां पे खेती करता है और क्रॉप उगाता है और उसके बाद जो भी उसको इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा वो इसके मालिक को दे देता है. तो वेस्ट साइड में हमें क्या देखने मिल रहा है, स्मॉल ओनर्स हैं. स्मॉल ओनर मतलब ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत छोटी सी जमीन है, बहुत छोटी जमीन है और वो उस छोटी सी जमीन पे खेती कर रहे हैं. टेनेंट्स मतलब जिनकी खुद की कोई जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन पे पट्टे पे काम कर रहे हैं, वो रेंट पे काम कर रहे हैं. While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serf. और वहीं अगर हम यूरोप के सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न है वो कैसा था कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जमीनें जो हैं वो एरिस्टोक्रेट्स ओन करते थे. जो ये बड़ी बड़ी जमींदार हैं उनके पास काफी वास्ट एस्टेट थे. वास्ट एस्टेट मतलब बड़ी बड़ी जमीनें, पर इन जमीनों पे खेती कौन करता था, खेती करते थे सर्फ्स. सर्फ क्या होता है, सर्फ एक तरीके से जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, इसी तरीके से बॉन्डेड फार्मर आप समझ सकते हो, एक ऐसा किसान जिसको कि इस जमीन पे काम करना पड़ेगा, इस जमीन पे ही रहना पड़ेगा, ये इस जमीन का मालिक नहीं है, इस जमीन का मालिक कोई और है, ठीक है. और ये जो सर्फ है, ये जो फार्मर है, वो एक तरीके से यहाँ पे बंधुआ की तरह रह रहा है और इस सर्फ को जो भी मालिक कहता है, जो भी ओनर कहता है वो मानना पड़ेगा. तो इस तरीके से ज्यादातर जो हिस्से थे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के वो कैसे थे, वो ऐसी जमीनें थी जिन पे सर्फ के द्वारा कल्टीवेशन की जा रही थी. वो जमीनें तो किसी और की थी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी और वो एरिस्टोक्रेट्स की थी, बट उनपे जो खेती हो रही थी वो सर्फ के द्वारा हो रही थी और सर्फ एक तरीके से ऐसे किसान थे जिनको जबरदस्ती उन जमीनों पे रखा जा रहा था. बॉन्डेड थे वो, एक तरीके से उनको बंधुआ बना के रखा जा रहा था, जो मालिक कहेगा उसी के हिसाब से उनको काम करना पड़ रहा था. यहाँ पे टेनेंट क्या है, या तो रेंट पे है, भाई उसका मन किया तो वो इसको छोड़ भी सकता है, थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से टेनेंट काम कर सकता है, बट यहाँ पे जो सर्फ है उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, जो ओनर कहेगा, जैसा ओनर कहेगा वही उन्हें करना पड़ रहा था. तो इस तरीके का कुछ सिस्टम था ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग्स का. In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. Ab Europe ke western and central part mein kya hua? Industrial revolution hua ya wahan pe industrial growth hui. Again maan lo ye Europe hai, to uska ye jo western part hai aur ye jo central part hai. यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई, इंडस्ट्रीज जो है वो आने लग गई और इंडस्ट्रीज बढ़ी इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बढ़ रही हैं और इसकी वजह से क्या हुआ, टाउन्स डेवलप होने लग गए.
होता क्या है कि जैसे मान लो कोई शहर वगैरह है, कोई छोटी जगह है, ठीक है, अब वहां पे किसी ने कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दी, कोई बहुत बड़ी कंपनी लगा दी। अब कंपनी लगाएंगे तो वहां पे मजदूर आएंगे काम करने के लिए, वो मजदूर आएंगे तो वो आसपास कहीं रहेंगे भी, वो खाना पीना भी खाएंगे, वहां पे नई नई दुकानें खुलने लगेंगी, और देखते ही देखते वो जो छोटी सी जगह है, छोटा सा शहर है, वो काफी बड़ा शहर बनने लग जाएगा। तो वही चीज यहाँ हो रही थी, जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट है यूरोप के, वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी। अब ये ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक तरीके से आ रहा था यूरोप में, ठीक है, यहाँ पे लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ रहा था, लोग एक तरीके से और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने लग गए थे, और बेसिकली इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो हो रही थी। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी, उससे ट्रेड बढ़ रही थी, और ट्रेड के बढ़ने के साथ, ट्रेड मतलब व्यापार बढ़ रहा है, चीजों को खरीदा जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे, चीजों को बेचा जा रहा है बड़े लेवल पे, तो ट्रेड बढ़ रही थी। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रही थी, उसकी वजह से नए नए टाउन्स बन रहे थे, मतलब जो पहले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, अब वो डेवलप कर रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी। और जब इन टाउन्स की डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई, तो उसी के साथ आई कमर्शियल क्लास। ये कमर्शियल क्लास कौन थी भाई? देखो, इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगी तो उसमें कुछ लोग काम करने आएंगे, कुछ लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस भी खोलेंगे, और धीरे धीरे करके ये जो बिजनेस है, ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, ये लोग क्या बन जाएंगे, इनको कमर्शियल क्लास कहने लगेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेड में हिस्सा ले रहे हैं, ये मार्केट में इन्वॉल्व है, ये गुड्स को बना रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, कोई पर्सन गुड्स को खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मार्केट डेवलप हुई, मार्केट डेवलप होने की वजह से कमर्शियल क्लास डेवलप हुई। और ये जो कमर्शियल क्लास है, वो पूरे तरीके से किस पे डिपेंड कर रही है? मार्केट पे डिपेंड कर रही है। ये कमर्शियल क्लास कैसे बनी? जब इंडस्ट्रीज आई, जब गुड्स जो है वो बनने लगे, प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स की खरीद बेच होने लग गई, इन सभी चीजों की वजह से ये कमर्शियल क्लास जो है वो आई। मान लो कोई पर्सन था पहले, वो गांव में ही अपना छोटा मोटा काम करता था, ठीक है, पेजेंट था, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज वगैरह बनने लगी, तो उसको लगा कि भाई वो कोई पर्टिकुलर काम काफी अच्छे से कर सकता है, उसने अपना थोड़ा बोड़ा जो पैसा है वो जोड़ा, और शहर में जाके उसने अपनी कोई छोटी सी दुकान खोल ली, और देखते ही देखते उसकी ये जो दुकान है वो काफी बड़ी हो गई, तो इसके पास थोड़ा पैसा आने लग गया। अब ये जो पर्सन पहले पेजेंट था, अब ये क्या बन गया, ये कमर्शियल क्लास का पार्ट बन गया, अब ये पेजेंट नहीं रहा, अब इसके पास थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी पावर आ गई, और ये क्या हो गया, कमर्शियल क्लास का पर्सन बन गया। तो क्या हो रहा है कि ये जो कमर्शियल क्लास है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रही है? मार्केट पे, कि भाई मार्केट काम कर रही है, मार्केट जो है वो डेवलप हो रही है। मार्केट मतलब कि भाई एक ऐसा प्लेस जहां पे ट्रेड हो रही है, ठीक है, जहां पे सामान की खरीद बेच हो रही है, उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। तो मतलब कि जैसे जैसे ये ट्रेड हो रही थी, वैसे वैसे ही कमर्शियल क्लास ग्रो हो रही थी, और कमर्शियल क्लास की पूरी एग्जिस्टेंस किस पे बेस्ड थी? मार्केट पे, इस पूरे व्यापार पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में शुरू हुई, मतलब कि जैसे 1750s के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बट अगर हम फ्रांस और जर्मन के कुछ हिस्सों की बात करें, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आई, ठीक है, इंग्लैंड में जल्दी आ गई और फ्रांस एंड जर्मन में बाद में आई, तो लगभग 19th सेंचुरी में फ्रांस एंड जर्मन को इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपीरियंस हुई। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बींग। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज होने लग गया। जैसे कमर्शियल क्लासेस की हमने बात की ना, ऐसे ही कमर्शियल क्लासेस जो है वो बनने लग गई, और इसको हम क्या कह रहे हैं, एक नया सोशल ग्रुप, ठीक है। सोशल ग्रुप मतलब भाई सोसाइटी कुछ ग्रुप्स में बटी हुई है, एरिस्टोक्रेट्स, पेजेंट्स। अब इसी तरीके से एक और ग्रुप सोसाइटी में इमर्ज हो रहा है, जो कि ना ही तो रूलिंग क्लास से बिलोंग करता है, ना ही तो वो एरिस्टोक्रेट है, और ना ही वो पेजेंट है। अब तो अब वो एक नया सोशल ग्रुप है जो कि इन दोनों के बीच में है। तो एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इमर्ज हो रही है। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन मतलब कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में कुछ लोग काम भी करेंगे, कोई वर्कर बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, तो अब वहां पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, एक मिडिल क्लास जो है इमर्ज होगी। मिडिल क्लास में कौन कौन लोग आएंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेसमैन जो व्यापार कर रहे हैं लोग, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मतलब कि जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई लॉयर है, तो ये प्रोफेशनल्स हैं। जब बिजनेसेस वगैरह होते हैं तो उसके साथ ये प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी डेवलप करते हैं, उनकी भी जरूरत हमें आती है। तो प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब क्या है, अब ये मिडिल क्लास का पार्ट हो गए हैं, नई मिडिल क्लास उभर कर आ रही है।
In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. अब अगर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की बात करें, मतलब बीच वाला यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पे ये जो नए ग्रुप इमर्ज हो रहे थे, कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, ये जो नए नए ग्रुप इमर्ज हो रहे थे, ये शुरू शुरू में काफी कम थे. भाई अभी शुरुआत ही हो रही है तो काफी स्मॉल थे ये नंबर्स में, ठीक है. और वो भी कब तक ये कम थे मात्रा में? टिल लेट 19th सेंचुरी. तो मतलब मान लो 1890s और 1880s तक भी ये लोग बहुत कम थे नंबर्स में. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये नई मिडिल क्लास हमें देखने मिल रही है, नई सोशल क्लास हमें, सोशल ग्रुप इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये भी अब पढ़ने लिखने लग गए, ये लोग भी अब सोचने लग गए, और बड़ी बात क्या है, अब ये क्वेश्चन करने लग गए, भाई जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं. They started questioning the status of aristocrats. कि भाई ये एरिस्टोक्रेट्स ने किया क्या है, ये इतने चौड़ क्यों मार रहे हैं, इनको सारी पावर क्यों मिली हुई है. तो वे क्वेश्चन करने लग गए. वो ये समझते थे कि भाई देखो, हम तो मेहनत करके ऊपर आए हैं, हमने तो भाई बिजनेस खड़ा किया है, काम किया है ना, उसके बाद जाके हमें थोड़ी पावर मिली है, हम मिडिल क्लास बने हैं. बट ये एरिस्टोक्रेट्स ने क्या किया, इनको इतनी प्रिविलेजेस क्यों मिली हुई है, इन्होंने किस बात पे इतनी सारी जमीनें जो हैं होल्ड कर रखी हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है. जब वो सोचते हैं तो उन्हें समझ आता है कि बस ये एक पर्टिकुलर परिवार में इन्होंने जन्म लिया है, बस ये राजा के बच्चे हैं, राजा के परिवार वाले हैं, इसलिए इनको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं. तो इन्होंने ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, वो थोड़े पढ़े, मतलब उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया, और अब उनके पास पैसा है, पैसे के साथ पावर आती है, तो अब वो क्वेश्चन करने की स्थिति में भी थे. पहले मान लो वो पेजेंट्स थे, पहले भी उनके दिमाग में तो ये चीजें आती थी कि भाई ये क्यों इतना बन रहे हैं, क्यों पेजेंट्स जो है उनपे अत्याचार हो रहे हैं एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा. तो हो सकता है पहले भी पेजेंट्स ये सोचते हो, बट वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो आवाज उठा सके, वो डायरेक्टली मुंह पे जाके बोल सके कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो. पर अब जब मिडिल क्लास आई तो उसके पास ये क्षमता थी, उसके पास ये पावर थी, उसके पास पैसा था कि वो अब आवाज उठा सके. तो धीरे धीरे करके ये जो एजुकेटेड क्लास थी और लिबरल मिडिल क्लास थी, लिबरल से अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि भाई लिबरल नेशनलिज्म क्या है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि भाई हाँ, खुले विचार वाले थे, क्वेश्चन कर रहे थे. इस तरीके की जो मिडिल क्लास है वो क्या कर रही थी, इसने नेशनल यूनिटी का आइडिया जो है लाया. तो ये लोग क्या कह रहे थे कि भाई सबसे पहले तो अबॉलिशन होना चाहिए, ये जो लोगों को प्रिविलेज मिल रही है, जो एरिस्टोक्रेट्स को प्रिविलेज मिल रही है, फालतू की एडवांटेजेस मिली हुई हैं, पहले तो इनको अबॉलिश करना है, इनको खत्म करना है, और उसके बाद जो नेशनल यूनिटी का आइडिया है लोगों में डेवलप हुआ. कैसे डेवलप हुआ? भाई ये लोग सारे एक दूसरे से बात करते थे कि मान लो कोई एक मिडिल क्लास का पर्सन है, वो दूसरे मिडिल क्लास पर्सन से बात कर रहे हैं कि भाई देखो ये तो ऐसा हो रहा है, ये एरिस्टोक्रेट्स तो बड़े बन रहे हैं, इनको तो फालतू की प्रिविलेजेस मिली हुई हैं. तो दोनों को अब समझ आ रहा है कि उनमें कुछ कॉमन है, इनका भी दुश्मन एक तरीके से एरिस्टोक्रेट है, इसका भी दुश्मन एरिस्टोक्रेट है, ये सब सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो धीरे धीरे करके जो मिडिल क्लास है ना, वो यूनाइट होने लग गई, ठीक है. और जैसे ही वो यूनाइट हुई तो वैसे ही नेशनल यूनिटी की भावना उनमें जागने लग गई. तो पहले तो इन लोगों ने मिलके क्या बात की कि भाई जो प्रिविलेजेस हैं वो एबॉलिश होनी चाहिए, और इसके बाद धीरे धीरे करके लोगों में नेशनल यूनिटी की भावना ज्यादा जगने लग गई. जब ये लोग सारे एक साथ आ गए, जब एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ ये खड़े होने लग गए, तब इन लोगों को एक तरीके से सेंस हुई कि भाई हम तो सारे एक साथ हैं, है ना, हम तो सारे जुड़े हुए हैं, हमें कॉमन है चीजें. तो तब जाके नेशनल यूनिटी जो है वो एज आइडिया यूरोप में इमर्ज होने लग गया, राइट. अब यहाँ पे हमने जो लिबरल मिडिल क्लास की बात की है, तो इसका आइडिया क्या था एग्जैक्टली, ये किस तरीके से सोच रही थी, किस तरीके से ये सवाल उठा रही थी, तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. कि ये जो नेशनलिज्म की बात कर रही है मिडिल क्लास, उसका क्या मतलब था, मिडिल क्लास लिबरल नेशनलिज्म से क्या समझती थी. तो इस चीज को हम अलग से सेक्शन में शुरू करेंगे कल.